भारत ने अफगानिस्तान के लिए अटारी सीमा के जरिए सड़क मार्ग से मानवीय सहायता के रूप में 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप रवाना की है। अफगानिस्तान के 26 ट्रक गेहूं की खेप को लेकर मंगलवार शाम को बाघा सीमा पहुंचे। पाकिस्तानी सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी थी। बात बता दें कि भारत ने मंगलवार को गेहूं से भरे 50 ट्रक अफगानिस्तान के लिए रवाना किए। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं तोहफे के रूप में देने का निर्णय किया था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए अपील की थी, जिसके मद्देनजर भारत ने ये कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये खेप भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मानवीय सहायता के रूप में गेहूं की आपूर्ति कई खेप में की जाएगी और अफगानिस्तान के जलालाबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को सौंपी जाएगी। इसमें कहा गया कि इस संबंध में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में गेहूं वितरित करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।